ट्वेल्थ वाले और बीएससी वाले सभी लोग ध्यान दें, काफ़ी दिन से मैं ट्वेल्थ क्लास की लाइव कर रहा था और दो दिन से मैं बीएससी क्लास की लाइव स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स की, लेकिन जो उम्मीद मैं लेकर लाइव कर रहा था कि स्टूडेंट आएंगे पढ़ेंगे ठीक है, तो वो सपोर्ट आपकी तरफ से मिला नहीं और ना ही बच्चे आए। मैं सोच रहा था कि ट्वेल्थ क्लास में एटलीस्ट, मैं देखो ज़्यादा बड़ी नहीं सोचती, केवल मात्र 10 से 15 स्टूडेंट आएंगे तो पढ़ाऊंगा, बीएससी के लिए 15 से 20 आएंगे तो मैं पढ़ाता रहूंगा ठीक है। बीएससी का तो चलो पहले दिन एक का 30 से प्लस आए थे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक 20-25 रुके थे, और जो और उसके बाद में दूसरे दिन लाइव किया तो लगभग ज़्यादा नहीं थे, 15-16 स्टूडेंट थे, लेकिन ट्वेल्थ वाले तो 2-3 स्टूडेंट ही थे ठीक है। तो आपके लिए आज से ट्वेल्थ वाला तो कम्प्लीटली बंद, ट्वेल्थ वाला अब लाइव क्लास नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन लाइव क्लास बंद, क्योंकि देखिए ड्यूटी करें 12 घंटे, उसके बाद में घर को समय दें, फिर आपके लिए जग कर सुबह ठीक है 5 बजे पहले जगें, फिर थोड़ा सा देखें क्या क्या पढ़ाना है, उसके बाद में आपके लिए लाइव करें ठीक है। और फिर भी देखा जाए तो 1 या 2 स्टूडेंट आए, 150 व्यू आए, उससे बढ़िया तो वीडियो बना के डाल दो। वीडियो बनाने में जब अपना खाली टाइम रहेगा तब वीडियो बनाएंगे और तब डालेंगे, जब भी वीडियो बन जाएगी तब डाल देंगे, कभी हो सकता है गैप लगे। लाइव में क्या होता है, पर्टिकुलर शेड्यूल बन जाता है कि आदमी को इतने बजे जगना है, लाइव करना ही करना है, स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वीडियो बनाने में तो कोई इंतजार नहीं करेगा, ना ही कोई बाउंडेशन रहेगी, कभी जब चाहे जब वीडियो बनेगी तब तक गिरेगी, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, रेगुलर पढ़ाते रहेंगे और आपका कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन लाइव क्लास तभी चलेगी जब आप लोग चाहेंगे, और आप लोग चाहने का मतलब यह है कि कम से कम 20-25-30 स्टूडेंट आए, और बीएससी भी की अभी 1-2 दिन और लाइव क्लास चलाऊंगा, यदि इसी तरीके से स्टूडेंट कम होते चले गए तो बीएससी का भी बंद हो जाएगा लाइव ठीक है। तो आप सभी से बस मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाने का प्रयास किया करो, और आप सभी लोग देखिए ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपके लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है सुबह सुबह एकदम जग के आदमी वो करता है पढ़ाता है, और फिर देखा है यार एक भी स्टूडेंट नहीं आया तो क्या फ़ायदा, मैं अकेला थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, जब स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो मेरा अकेले पढ़ाने का क्या मतलब है ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जय।